Yat götülüp. आज हम 12 दिसंबर को हर वर्ष की तरह जनरल जोरावर सिंह का शहादत का दिन मनाते हैं हर साल। इसी तरह इस वर्ष भी कोविड के बावजूद भी हमने ये फैसला किया कि कुछ सदस्य ट्रस्ट के और उनके फैमिली के आए हैं और एक तरह से लीग के हैं, और हमारी जैक राइफल्स इधर है, 7 जैक राइफल्स ने ये सारा बंदोबस्त किया है, और एक छोटे तरीके से एक मैसेज के तरीके से ये हमने श्रद्धांजलि इनको देंगे ताकि लोगों को ये याद रहे, वो भूले नहीं कि जनरल जोरावर सिंह कौन थे। वो एक दुनिया के बहुत बड़े जनरल थे, डोगरा जनरल थे, और उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह के नीचे पूरा गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख तिब्बत फतह किया था, चाइना को भी मारा था। और आज जो हमारी फौजें चेन्नई में हैं, उधर उसमें हैं, गालवन में हैं, वो हमारे हमने फतह किए हुए हैं। तो आज के दिन हम उन्हें याद रखते हैं और अपने आने वाली नस्लों को भी बताते हैं कि जनरल जोरावर सिंह की तरह ही हमें रहना पड़ेगा, तभी ये रियासत बचेगी। आप देखें किस तरह से घिरी हुई है, उधर चाइना घिर रहा है, उधर पाकिस्तान घिर रहा है, लेकिन जनरल जोरावर सिंह जैसे जनरल और भी पैदा हुए हैं, वो इस रियासत को बचा के रखेंगे और ये पूरे हिंदुस्तान का मुकुट हम बनाए रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और ये सब डोगरा लोगों की देन है, ये आप लोगों की देन है, तो हमें इसका बहुत फख्र है। हर साल हम मनाते हैं, हम रजमट का ये दिन भी मनाते हैं, उस वक्त जन्म जोरावर डे बैसाखी के दिन अप्रैल, तब भी यहाँ हम इकट्ठे होते हैं, ये दो दिन हर साल हम मनाते हैं। तो मैं इस दिन के ऊपर हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं, याद करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि जन्म जोरावर सिंह कौन थे। हम तो कहते हैं, लोग कहते हैं जनरल जोरावर सिंह नेपोलियन थे ईस्ट के, मैं कहता हूँ कि अगर नेपोलियन से
से जनरल जोरावर पहले पैदा हुए होते तो नेपोलियन को जोरावर ऑफ फ्रांस कहते, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जनरल जोरावर के मुकाबले में नेपोलियन भी नहीं थे। नेपोलियन ने 10 बार मारे खाई हैं और मरा भी कहाँ, वो जेल में मरा, और जनरल जोरावर सिंह कभी नहीं हारे जिंदगी में, एक ही बार फाइनली वो मौसम धोखा दे गया तो मौत भी कहाँ हुई, दुनिया के हाईएस्ट बैटलफील्ड के ऊपर। तो ये मैं कहता हूँ कि उनके मुकाबले का कोई दुनिया में जनरल नहीं हुआ है। मैं रिया कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती और जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्ट। आप सबको पता है कि आज 12 दिसंबर है, ये 1841 में जो ये दिन आया था वो डोगरा के लिए कहर बनकर आया था। इसी दिन जो जनरल जोरावर सिंह जी थे वो शहीद हुए थे। इसे हम हर साल मनाते हैं और हमारे साथ एक्स सर्विस मैन लीग भी है और जैक राइफल भी है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। ये हमारे यूथ के लिए भी एक आइकन बनकर आए हैं, तो उसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अपने अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं दीक्षा कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती। जैसे कि आप सब जानते हैं आज 12 दिसंबर, अगर डोगरा इतिहास की बात करें तो 12 दिसंबर 1841 ईस्वी में हमारा डोगरा इतिहास के ऊपर ये बहुत बाहरी दिन आया। इस दिन जनरल जोरावर सिंह जी ने अपनी शहादत पाई तकला को टोयो में, तिब्बत में, और आज यहाँ पर हर साल यहाँ पर हम जनरल जोरावर सिंह जी का बलिदान दिवस मनाते हैं रियासी में, और जोरावर सिंह चौक जम्मू में ये मनाया जाता है। और एक्स जो जैक राइफल का 7th यूनिट है वो यहाँ पर मनाती है, प्लस इस बार यहाँ पे एक सर्विसमैन भी 7th यूनिट जैक राइफल की और जोरावर सिंह ट्रस्ट और भी यहाँ के माने के जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जनरल जोरावर सिंह जी का बलिदान दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। जनरल जोरावर सिंह जी जिनकी बदौलत अगर आज हम बात करें लद्दाख, तिब्बत, बल्तिस्तान, ऐसे कई राज्य जो हमारे देश का हिस्सा बने, आज उनका बलिदान दिवस है। मैं जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती, उन्हें छत्तीसगढ़ नमन करती हूँ।